एक छापे लगड़ बढ़ा रही मैं। तो यहाँ पर पापा ने श्राद्ध का सारा सामान इकट्ठा कर, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बड़ू को मेरा प्रणाम और छोटू को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो करती हूँ अपने आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग आज के मौसम के साथ। चलो आपको आज का मौसम दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा हो रहा है। तो ये रहा मौसम कुछ ऐसा, आज आई है धूप। तो वैसे देख लिया होगा आपने मौसम कैसा हो रहा है आज का। आज धूप खिली है और देखते हैं दिन में कैसा रहता है मौसम और आज की क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं। सबसे पहले तो अभी मुझे जाना है किचन में काम करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल पितृपक्ष चल रहा है। तो आज है हमारी अम्मा का श्राद्ध और उसके लिए मुझे सारी तैयारियाँ करनी है। तो गाइस, आ गई हूँ मैं नीचे किचन में और मैंने बहुत सारी पूरी बनानी है और सब्जी मैंने बना ली है। तो पूरियाँ बनाती हूँ फटाफट से, उसके बाद अभी पंडित जी आ जाएंगे थोड़ी देर में, तो फिर आपको दिखाऊंगी। और अभी मुझे रायता बनाना है, बहुत सारा काम करना है, तो फटाफट से मैं पूरियाँ बना लेती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ। पूरी मैंने सारी बना दी है, ये देखो एक छापे लगड़ बढ़ा रही मैं, क्योंकि परिवार में देनी भी पड़ती है ना। और अब मैं बना रही हूँ पुए, तो फिर आपको दिखाती हूँ पुए कैसे बनाती हूँ मैं। पुए का मैटर बेबी तैयार करके गई थी और आटा भी बेबी गूंथ के गई थी, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना था तो फटाफट स्कूल चले गए। और अब मैं और तैयारियाँ करती हूँ। तो रायता बनाने के लिए ये रही ककड़ी और इसमें है दही, तो फटाफट से एक कटोरे में दही अलग से निकाल देती हूँ, क्योंकि श्राद्ध के लिए भी चाहिए होता है दही। तो दही निकालती हूँ और फिर रायता बनाती हूँ। बाकी जो है सब कुछ बन गया है, रायता पूरी और पुए दिखाती हूँ। ये यहाँ पर रायता, इसमें है पूरी और हुए, सब बन के रेडी हो चुके हैं। तो पापा ने भी तैयारियां कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर पापा ने श्राद्ध का सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया, जो जो भी सामान श्राद्ध में चाहिए होता है। और अभी पंडित जी आए नहीं हैं, तो वो पंडित जी को देखने गए हैं कि पंडित जी आ गए कि नहीं। बाकी मैंने भी सारा खाना आना बना लिया है और अब मैं जाती हूँ ऊपर रूम पर देखती हूँ। तो आ गई हूँ ऊपर रूम पर और अभी कर रही हूँ मैं दूध गर्म, उसके बाद मैंने बाहर का बिस्तर उठाना है, क्योंकि ये उठे नहीं थे तो इन्होंने बिस्तर नहीं उठाए हैं। तो बिस्तर उठाती हूँ फटाफट से, पहले दूध गर्म कर लेती हूँ। तो रूम की सफाई भी मैंने कर ली, मशीन चला रखी है यहाँ पर, इसमें कपड़े धुल रहे हैं। कपड़े धुल के मैंने सुखाने के लिए डाल दिए हैं, इस साइड अभी धूप आई नहीं है। और ये देखो जोजो को, इसने भी नहा लिया लेकिन ये इरिटेट हो रहा है, ये बैठ चुका है यहाँ पर। नहीं नहीं, प्लांट इसके दुश्मन है शायद, इसने मेरे इतने सारे प्लांट खाली कर दिए ना। फूलों के साथ छेड़खानी मत करना। ये यहाँ पर मेरे गुलाब के फूल खिले हैं और ये कुछ सो प्लांट है। और अब मैं लेके जा रही हूँ खाना हम लोगों के लिए, तो फटाफट से जाती हूँ ऊपर और खाना खाते हैं। तो लेके आ गई मैं खाना और आपको इनको दिखाती हूँ, हाँ कैसे बने हैं ये देखो, इन दोनों को देखो। गोलो हेलो, और ये मेहंदी लगा के लेके आए हैं, इनके सर में दर्द हो रही है और ये मेहंदी लगा के लाए हैं। अब पता नहीं सर दर्द कम होता है क्या ऐसे। चलो फिर खाना खा लेते हैं।
जो जो खाएगा टोजो। हम खाना खाते हैं, आओ। ये बोल रहे हैं कि अब टोजो नहीं आता है। टोजो आप लोगों ने खाया है, हमने तो खाया। अगर आप लोगों ने भी खाया है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अभी भी मार्केट में मिलता है कि नहीं ये भी बताना, क्योंकि यहाँ को तो कमी दिखाई देता है टोजो, और जगह बताना। चलो खा लेते हैं खाना। पूरी, कद्दू की सब्जी और रायता और पुए। अरे पुए तो लाना ही भूल गई मैं। खा लिया है खाना। काफ़ी तेज़ मिर्च हो रही है, पता है रायते में पापा ने राई ज़्यादा ही पीस दी थी ना, और मैंने पूरी राई डाल दी तो बहुत तीखा हो रहा है रायता। बाकी सब्जी और पूरी के साथ खा लिया, रायता मैंने ऐसे ही रख दिया, आधा खाया आधा छोड़ दिया। बहुत मिर्च लग रही है मुझे, क्योंकि हम लोग मिर्च बहुत कम खाते हैं। तो फटाफट से मैं बर्तन धो के आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि दिन में क्या करते हैं। अब मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। बैठी थी और अभी यहाँ आया है सौरभ और लेकर आया है जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी। मुझे पता नहीं था कि यहाँ भी जलेबी मिलती है, इसने बताया कि यहाँ जलेबी मिलती है, तो हमने कहा चलो टेस्ट करते हैं एक बार। हेलो सौरभ। हेलो। और ये आज काफ़ी टाइम बाद मेरे व्लॉग में आ रहा है, लेकिन अब देखने को मिलेगा। और अब खाते हैं हम जलेबी। अब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर में मैंने पेंटिंग भी बनानी है, मेरी एक ऑर्डर की पेंटिंग आई है और उसको मैं बनाती हूँ थोड़ी देर में। पहले जलेबी टेस्ट करके जलेबी इंजॉय करते हैं, उसके बाद बनाएंगे पेंटिंग। अब जो है मैं पेंटिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ, और पेंटिंग का सामान मैंने सारा निकाल लिया है। इसमें मैंने ड्रॉ किए हैं शिव, पार्वती और गणेश जी, और अब मैं इसको पेंटिंग करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस इतनी पेंटिंग मैं अपनी कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये देखिए कैसी लग रही है मेरी बनाई हुई पेंटिंग, कमेंट करके जरूर बताना। अभी साइड का बॉर्डर देना है और बीच में डिजाइन भी ड्रॉ करना है, तो मैं आपको कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी। और आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को भी मेरी पेंटिंग्स पसंद आती हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फेसबुक पेज की लिंक डाल दूंगी, किरण अपन आर्टिस्ट करके मेरा एक फेसबुक में पेज है, और वहाँ पर आपको बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई पेंटिंग पसंद आती है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज वहाँ पर कर सकते हैं और पेंटिंग आप तक पहुँच जाएगी। तो चलो बनाती हूँ आगे की पेंटिंग, और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बता। ऑलमोस्ट एक घंटे में मेरी पेंटिंग जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। मैं आपको अपनी पेंटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी पेंटिंग यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कैसी लगी आपको पेंटिंग कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे पेज पे ज़रूर विजिट करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अभी बज चुके हैं शाम के 4, और अब मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय थोड़ी सी, और ये सामान जो यहाँ पे मैंने बिखेरा है सब साफ़ कर लेती हूँ, और फिर आप बना रही हूँ अपने लिए चाय, और चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं। ठीक है, चाय जो है ना ये मसाले वाली है, इसमें है इलायची, लौंग, अदरक, सब कुछ डाला हुआ है इसमें। तो गाइस यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन गई है, और अब मैं गूंथ लेती हूँ फटाफट से आटा, फिर रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पर खा रहा है मेरा जो जो भी खाना, और हम लोगों ने भी खा लिया है। इसी के साथ करती हूँ अपने आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।